हती कर दी यार चाचू ने, पहले फाइल छुपाई, 10 लाख रुपए का घपला किया, उनको क्या लग रहा था ये चीजें हमें पता नहीं लगेंगी। छोड़ो वो नींद पर, अब एक भी मौका नहीं दूंगा इन्वेस्टिगेशन करवाता उनके खिलाफ। आखिर तुम अभी बहुत गुस्से में हो, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, और अगर तुम ये सब करोगे ना तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। है तो बढ़ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो सोचा नहीं हरकतें करने से पहले मैं क्यों सोचूं। फिर मुझे नहीं लगता कि अब्बा ने 10 लाख रुपए चुराए हैं। ये तुम कह रही हो, तुम ही नहीं उनकी जेब से डिपॉजिट स्लिप निकाली थी। हाँ पता है मुझे फाकिर, लेकिन कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो डिपॉजिट स्लिप अब्बा के ही जेब से निकली थी, लेकिन शायद वो उनकी ना। मैं जानती हूँ अब्बा को, बहुत परेशान लग रहे थे वो। परेशान इसलिए लग रहे थे क्योंकि उनकी हरकतें पकड़ी जाने वाली थी। अब्बा के चेहरे पे जो परेशानी थी ना, वो पकड़े जाने की नहीं थी। जो भी करता है वो डंके की चोट पे करता है। मुझे तो लग रहा था कि वो अभी मुड़ के कहेंगे कि हाँ मैंने पैसे लिए तो क्या, मेरा हक बनता था। उनका चेहरा कुछ और बता रहा था फाकर। और कौन कर सकता है, खुद सोचो इस बारे में। कुछ बोलो तो सही फाखिर। जब मैं अब्बा के कपड़े धोने गई थी ना, तो वहाँ फराज पापा भी मौजूद थे। मुझे वहाँ पे उनकी मौजूदगी बहुत अजीब सी लगी। जब उन्होंने मुझे देखा ना, तब वो डर गए थे, वो फौरन से वहाँ से चले गए। उसके बाद मुझे अब्बा की जेब से वो स्लिप मिली। तो क्या फराज पापा ने, क्या बातें कर रही हूँ यार, वो क्यों उस तरह का करेंगे। शुरू से उन्होंने मेरा साथ दिया और तुम कह रही हो सही बातें कर रही हो। समझ में नहीं आ रहा फाकिर, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकती हूँ कि ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिख रही है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारे बाबा है। मैं हर किसी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी फीलिंग गलत है, लेकिन क्या कुछ नहीं किया यार उन्होंने हमारे साथ, तुम्हारी अम्मी के साथ थी, फायजा के साथ, तुम्हारे साथ। बाबा के जाने के बाद तो उनका वैसे ही रवैया इतना बदल गया था। इमोशनल होकर सोचने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। रिश्ते बनना पड़ना ही।